गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं WWE के SummerSlam 2021 के मैन मैच और प्रेडिक्शन के बारे में। वैसे गाइस, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना रखी है, कि वो वीडियो आपने नहीं देखा तो नीट लिंक उसका डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन गाइस, अब मैं फिलहाल ये लास्ट मैच का प्रेडिक्शन बना रहा हूँ SummerSlam से पहले, क्योंकि ये SummerSlam के लिए जो हाइप बनी हुई है वो बहुत ज़्यादा है। और भाई, इसके लिए और भी कुछ इंटरेस्टिंग मैचेस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। भाई, वही सारे मैचों के बारे में बात करने वाले, तो वीडियो एकदम इंटरेस्टिंग होने वाली। वीडियो को आप लोग जो लास्ट जरूर देखना, और भाई चैनल बने तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और भाई, सबसे पहले कार्ड के ऊपर जो मैच यहाँ पे रखा है वो रखा है इस बार का, इसमें ने WWE की स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप के लिए रेड ओमेन मिस्टीरियो फेस करने वाले हैं द करंट स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस, यानी कि छे एंड जिमी दी ओसोज को। भाई, यहाँ पर स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए इन दोनों का मैच ऑफिशियल हुआ था। हमने देखा था कैसे मनी इन द बैंक के अंदर इन दोनों का मैच हुआ था, लेकिन प्रेडिक्शन आ रहे थे भाई SummerSlam के अंदर उसो का फेस करने वाले मिस्टीरियस तब रहेंगे, मिस्टीरियस चैंपियन, और भाई तब बनेंगे उसो अपने चैंपियंस। लेकिन सारे थिंग, लेकिन WWE ने पहले की अगर ये थिंग अब होती SummerSlam में तो वो इंटरेस्टिंग होती, लेकिन ये प्लान मैच ऑफिशियल है SummerSlam 2021 के लिए स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। नेक्स्ट का जो कार्ड के ऊपर मैच आने वाला है वो आने वाला है इस बार का इस मंडे नाइट रॉ की ओर से, जहां पर सिंगल्स मैच होने वाला है बिटवीन अलेक्सा ब्लिस एंड ईवा मरी के बीच। और भाई, आपस में इन दोनों के बीच एक मैच दिखाई दे सकता है। पिछले कार्ड के ऊपर भी मैंने यही मैच प्रेडिक्ट किया था, क्योंकि यहाँ पर से जो ईवा मरी हम देख रहे हैं कि उनके साथ जो फ्यूड चल रही है अलेक्सा ब्लिस के साथ, या फिर कैसे हमें ये मैच दिखाई दे सकते हैं, फिर क्या पता लिली का भी मैच हो जाए इसके अगेंस्ट। तो भाई, ये फिलहाल जो मेरे ख्याल से मैच हो सकता है, क्योंकि WWE है आउट ऑफ नोवेयर एक इंटरेस्टिंग सा मैच जो कार्ड के ऊपर हमें बनाती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन जो है नेक्स्ट मैच आने वाला है कार्ड के ऊपर, वो आने वाला इस बार चैंपियनशिप के लिए अपने शेमस अपना टाइटल डिफेंड करने वाले अगेंस्ट डेमियन प्रीस्ट। और भाई, मेरे ख्याल से इस मैच के अंदर अपने कीटली को भाई इन्वॉल्व होना चाहिए था, कीटली को भाई WWE ने यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप की पिक्चर के अंदर डालना चाहिए था, क्योंकि भाई कीटली काफी बढ़िया सुपरस्टार से, और भाई कीटली का WWE के पास काफी अच्छा यूज होना है। मे बी वो पहले भी जो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के पिक्चर के अंदर डाले जाए थे, लेकिन गाइस मेरे ख्याल से डेमियन प्रीस्ट एंड शेमस भी एक अच्छा मैच है। लेकिन गाइस, मेरे ऐसे कीटली को इस मैच के अंदर ऐड किया जाता तो मैच काफी अच्छा होता, ट्रिपल थ्रेड मैच होता तो भी मेरे को खुश होता, सिंगल्स मैच होता तो भी मैच काफी अच्छा होता। लेकिन अभी फिलहाल ये मैच ऑफिशियल है, तो भाई मेरे ख्याल से ये भी मैच शेमस वर्सेस डेमियन प्रीस्ट एक काफी बढ़िया मैच हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। नेक्स्ट मैच जो कार्ड के ऊपर आने वाला है, वो आने वाला है इस बार अपने करंटली एजे सैंडसन ओमोस अपनी रॉ टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले अगेंस्ट आरके ब्रोस, यानी कि रैंडी ऑर्टन एंड रियल की टीम के अगेंस्ट। तो भाई देखो, शॉकिंगली ये भी मैच मैंने जो कार्ड के ऊपर रखा है, क्योंकि भाई तुम बोले कि भाई जो रैंडी ऑर्टन तो भाई जो रिडल को तो धोखा दे दिया, टीम तो तोड़ गया, कैसे हो सकता है इन दोनों का मैच रैंडी ऑर्टन वर्सेस रिडल का मैच हो सकता है। वैसे गाइस, यहां पर से मैं आपको बताऊं तो भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मैंने आपको कल वाली वीडियो के अंदर बताया कैसे जो आरके ब्रो टूटी है WWE ऐसे कुछ रैंडी ऑर्टन का कैरेक्टर रखना चाहते SummerSlam से पहले, और भाई SummerSlam के अंदर तो भाई इसलिए मेरे ख्याल से दोनों की ऐसे कम्युनिकेशन WWE दिखाना चाहते, इसलिए एक अलग टाइप की WWE को टैग टीम चाहिए जो कि फैंस के साथ काफी अच्छी ओवर हो जाए। और भाई, इसके लिए मेरे ख्याल से SummerSlam के अंदर एजे सैंडसन ओमोस वर्सेस आरके ब्रो एक परफेक्ट टैग टीम मैच भी होता है। नेक्स्ट मैच जो कार्ड के ऊपर कैसे आने वाला है, वो आने वाला है इस बार के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए अपने करंटली अपोलो क्रूज हमें फेस करते हुए दिखा दे सकते हैं फिन बैलर केविन ओवेंस किंग नाकामुरा एंड सेजारो के बीच। फिन बैलर के यहाँ पर से मुझे चांस जो है वैसे कम भी लग सकता है, क्योंकि ये जो है मैं आपको अगली चीज के अंदर बताने वाला हूँ। लेकिन ये सार के सार सुपरस्टार हमें एक एलिमिनेशन मैच के अंदर दिखा दे सकते हैं, जो कि काफी अच्छा मेरे ख्याल से मैच होने वाला है। और भाई, यहाँ पर से फ्लैश है इस मैच के अंदर हमें एलिमिनेशन मैच वाली स्टिपुलेशन दिखा दे सकती है, क्योंकि यहाँ पर से एक पोल्यूशन वाला भी मैच है SummerSlam के, भाई इसलिए मेरे ख्याल से ये मैच हमें दिखाई दे सकता है। और भाई, अपोलो क्रूज के लिए काफी बढ़िया कंटेंडर से केविन ओवेंस भी काफी बढ़िया सुपरस्टार से अपने जो है किंग नाकामुरा के लिए WWE काफी अच्छा यूज कर रहा है। और भाई, सेजारो के लिए भी मैच है काफी बढ़िया इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मौका हो सकता है। और भाई, फिन बैलर जो है मे बी नहीं हुआ यूनिवर्सल टाइटल के फ्यूड के अंदर, तो इसके अंदर मे बी वो इन्वॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट मैच जो का इस कार्ड के ऊपर मैं रख रहा हूँ, वो रख रहा हूँ इस बार रॉयल चैंपियनशिप के लिए ऑफिशियल मैच, जो कि होने वाला इस बार रिया रिपली वर्सेस शार्लेट फ्लेयर वर्सेस निकी एएस जो की करंट रॉ वुमेन चैंपियन है। खैर, इसके मैच में मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, प्रेडिक्शन मैंने पहले की थी भाई निकी एएस वर्सेस बैक रेंज होगा, लेकिन ये अब ये मैच फिलहाल ऑफिशियल हो गया। और भाई, यहाँ से मैंने फेटल फोर वे मैच बना दिया था पहले, लेकिन अब फिलहाल ये ट्रिपल थ्रेड मैच है, तो ज्यादा कुछ मैच के बारे में बात नहीं करते। नेक्स्ट मैच जो कार्ड के ऊपर आने वाला है, वो आने वाला है इस बार इस मंडे नाइट रॉ की ओर से अपने एक पंजाबी प्रिजन मैच, जहां पर ड्रू मैकइंटायर वर्सेस अपने जिंदर महाल के बीच में पंजाबी प्रिजन मैच दिखा दे सकता है, क्योंकि इस आपस से ड्रू मैकइंटायर वर्सेस जिंदर महाल ये तो मैच ऑफिशियल होने है, तो सभी को पता है। लेकिन गाइस,
यहाँ पर से जिंदर मान ने कहा था कि भाई मुझे इसके अंदर अलग से स्टिपुलेशन रखनी है क्योंकि पंजाबी प्रेजेंट मैचेस काफ़ी अच्छे होते हैं, मैं खुद उसका यूज करना चाहता था भाई। इसलिए समर स्लैम के लिए बढ़िया हाइप मैच WWE पंजाबी प्रेजेंट मैच हमें दिखा दे सकते हैं और भाई ड्रू मैकिनटायर वर्सेस जिंदर मान काफ़ी बढ़िया पंजाबी प्रेजेंट के बीच मैच दिखा दे सकता है। नेक्स्ट मैच जो कार्ड के ऊपर मैच आने वाला है वो आने वाला है ऑफिशियल मैच बिटवीन स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप के लिए द बॉस साशा बैंक्स वर्सेस प्रियंका प्लेयर के बीच स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप के लिए। पहले भी मैंने यही मैच प्रेडिक्ट किया था और अब भी है क्योंकि भाई ये मैच ऑफिशियल लगा था, कुछ इस मैच के बारे में बात नहीं करेंगे और भाई कार्ड के ऊपर आगे चलेंगे। जो कि यहाँ पर से नेक्स्ट मैच होने वाला स्मैकडाउन की ओर से जो कि हो सकता है ऑफिशियल वो होने वाला अपने सेथ रॉलिंस वर्सेस गाइस अपने द रेडर आर सुपरस्टार एच के बीच एक मैच और भाई यहाँ पर से ये सिंगल्स मैच भी हो सकता है, ये हो सकता है फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच, ये हो सकता है एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। लेकिन प्रेडिक्शन मैंने आपको बताई थी कैसे ये जो फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच हो सकता है क्योंकि ये जो है रेफरीज वगैरह के मतलब जो है फैंस के साथ इन्वॉल्व ज्यादा हुए थे तो भाई इसलिए इन दोनों का मैच हो सकता है। और भाई मैं आपको बता नहीं सकता काफी क्लासिक ये मैच होने वाला है समरस्लैम के लिए, मैं खुद काफी ज्यादा इस पूरे मैच के लिए एक्साइटेड हूँ और भाई ये मेरे ख्याल से आने वाला स्मैकडाउन के अंदर हम जो है मतलब ये तो मैच ऑफिशियली हुआ है और भाई आने वाला स्मैकडाउन के अंदर भी जो है काफी हाई स्टेक्स इसके अंदर पूरी हमें लगते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन गाइस कार्ड के ऊपर जो नेक्स्ट मैच होने वाला है वो होने वाला है इस पर किस ऑफिशियल मैच बिटवीन WWE चैंपियनशिप के लिए अपने गोल्डबर्ग चैलेंज करने वाले अपने करंट WWE चैंपियन बॉब लैशली को और भाई ये भी मैच ऑफिशियल है। मैं तो कुछ भी हम जो इस मैच के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये मैच तो ऑफिशियली हुआ है और WWE चैंपियनशिप के लिए ये होने वाला है। और गाइस जो फाइनल कार्ड के ऊपर मैच है वो होने वाला है गाइस ऑफिशियल मैच होने वाला है रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना के बीच एक यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच। भाई मैं बता नहीं सकता कितना बढ़िया ये क्लैश होने वाला है पूरे समर के हिस्ट्री के अंदर, वन ऑफ द बेस्ट मैच ये होने वाला है और भाई विन बैलर के ऐड हो सकते हैं, इसके भी आपको चांसेस नहीं बता सकता लेकिन होते तो भाई काफी अच्छा मैच होगा। लेकिन हमारे जो पर्सनली मतलब मैं मेरी बात करते हो देखो मुझे जो है जॉन सीना एंड रोमन रेंस का मैच काफी अच्छा लगा। रेसलमेनिया के अंदर भी वही सारा सीन हुआ था कि भाई रोमन रेंस एंड एज का सारा मैच था वो काफी हमारा ड्रीम मैच था, वो खैर वो अलग बात है कि बाद में जाकर वो जो है हैपन हुआ मनी इन द बैंक के अंदर। लेकिन रेसलमेनिया जैसे बड़े स्टेज के अंदर डैनियल ब्रायन जिस चीज के अंदर उस चीज के अंदर इन्वॉल्व है वैसे यहाँ पर फिन बैलर इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन फिन बैलर को मेरे ख्याल से जो है WWE को नेक्स्ट पेपर वीक के लिए शेड्यूल करना चाहिए भाई रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना मेरे ख्याल से एक जो मैच है वो गाइस यहाँ पर से WWE एक सिंगल सी मैच रखवाना चाहिए समरस्लैम के अंदर और भाई WWE के जो समरस्लैम के बाद फिन बैलर वर्सेस जो भी समरस्लैम के बाद यूनिवर्सल चैंपियन होगा रोमन रेंस या फिर जॉन सीना उसके बीच फिन बैलर के साथ मैच WWE के नेक्स्ट पेपर व्यू पे एडवर्टाइज करना चाहिए। और भाई बाकी गाइस आज की हमारी ये वाली प्रोडक्शन वीडियो बस इतनी ही। अगर आपको हमारी आज की ये प्रोडक्शन वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को कर सकते हैं लाइक सकते हैं, आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल आइकॉन ताकि आपको हमारी पहली नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज की वीडियो पसंद आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। Thank you.